Dear friends, in this video we will see how to analyze a research paper or report. किसी भी research paper को या report को हम कैसे analyze करें different perspectives में for literature review. तो उसके लिए हम एक AI based tool use करेंगे, that is chatpdf.com. You can see we can upload any PDF here and we can ask different questions related to that particular PDF. Okay, so we are uploading. So few papers we are having. So one paper I will upload here just for demonstration. एक paper हम यहाँ पर upload करेंगे और हम check करते हैं कि इस platform के through, इस tool के through हमने किस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछने हैं. सो डॉक्यूमेंट इज गेटिंग अपलोडेड नाउ एंड वी विल आस्क अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स यूज्ड और स्कोप ऑफ फ्यूचर वर्क और वट एवर इट इज. ओके, सो वी विल सी इट. Okay, so you can see that this paper is uploaded now. अब हम इस पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. Identify problem statement in this paper. Okay. अब देखो कि कितना इजीली हम इस पेपर को स्टडी कर पा रहे हैं. अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. कंटेंट है. For example, we want to identify research gaps. तो literature review के लिए या review paper create करने के लिए हम इस tool का use कर सकते हैं, that is chatpdf.com. Identify research gaps. Okay, so it is identifying. और इसके अलावा ये जो tool है automatically अपने तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर फ्रेम आउट कर देगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, आस्क दिस क्वेश्चन और दिस. तो हम यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख सकते हैं और इस तरह से हम एक पेपर का या किसी भी रिपोर्ट से हम रिव्यू आर्टिकल या रिव्यू पेपर क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो आप इसका यूज कर सकते हो अपने रिसर्च राइटिंग के लिए. Thanks to all of you.